वहीं सो गए, मेरे को नींद आ रहा था तो मैं सो गया वहीं पर। तो 4 बजे करीब अच्छा गोली मारे थे हाँ? हाँ? नहीं खोले, नहीं खोले, उसने मारी कट्टा मारे थे, बहुत दूर लगाया मैंने गैर तेरी बहन की चीज मैंने मार डाली, तुमने मेरे लड़के को मार डाला, मैं तुम्हारी ऊपर चढ़ा दूंगा। हमको मालूम नहीं था कि सामने वाला गोली चला देगा। अच्छा, पिताजी बहुत छोटे में एक्सपायर हो गए थे हमारे। अच्छा। मैं 6-7 साल का था तब से एक्सपायर हो गए थे। 1 रुपए डीजल था, आज 113 रुपए। आजकल क्या है, ट्रक मालिक बहुत ज्यादा हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, डीजल का रेट बढ़ गया, जगह जगह पुलिस वालों का कलेक्शन भी बढ़ गया। आप लोग ड्राइवर हैं, जागने के लिए क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? कोई ना सर, बीड़ी भर पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। बाकी दुनिया में दारू गांजा अफीम चरस को ही जिंदगी चली गई। और अभी क्या आसार है आपको कि ट्रक मालिकों को फायदा होना शुरू होगा कि नहीं होगा? मेरे को मुश्किल दिख रहा था, मालिक कपड़ा भर पहरे हैं, अंदर रो रहा है आप में। कुछ अच्छा। कुछ नहीं बच रहा हूँ। अच्छा, हम लोग कमाने देने वाले हैं यहाँ, क्योंकि पुलिस खा रही है, हर जगह एंट्री जा रही है। उनका क्या कहना है कि जो आरटीओ वाले होते हैं, पुलिस वाले, वो बहुत परेशान करते हैं और टोल टैक्स से ज्यादा हम मतलब मालिकों को पुलिस वालों को देना पड़ता है। देते क्यों देना पड़ता है पुलिस वालों को? तुम्हारी गाड़ी लूट ली। अच्छा, हाँ, गाड़ी लूट लेते हैं, तेल है, साबन है, सब गृहस्थी को सामान यहाँ का है, जिंदगी हाथ पे है सर हम लोगों। अच्छा, खाने पीने के लिए आप लोगों को ट्रक मालिक नहीं देते? ना नहीं, वही में 6,000 बनाओ। और अगर ट्रक खड़े हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा सामान जी? मुर्गी बच्चे मर जाएंगे, टाइम से नहीं पहुंचे। नीतीश के राज में जो हाईवे बने हैं बिहार में, अच्छा, जब लालू को गड्ढा गुंडा टैक्स अलग लगता रहा, साउथ में कोई लपड़ा नहीं है। अच्छा, साउथ में कन्याकुमारी, बेंगलोर, मद्रास, यहाँ कोई। अभी जैसे आप लोग मालिकों को अगर संदेश देना चाहें, ट्रक मालिकों को, तो क्या संदेश देंगे? का जो आपका ज़्यादा एक्सपेंस होता है वो टोल टैक्स में होता है कि पुलिस वालों को देने में होता है? पुलिस वाले से हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपके ट्रक में सब कुछ लीगल रखा हुआ है, पेपर सही है, सब कुछ सही है, तो भी देना पड़ेगा? तो भी देना पड़ेगा, निकाल ही देंगे, कोई ना कोई खामी निकाल ही देंगे। उस समय प्याज का रेट बहुत ज़्यादा था, तो ट्रक ड्राइवर ने उसको 1 बोरी प्याज भी दी, उसकी स्थिति को जान। लगता है डर लगता है, आजकल क्या है, डीजल चोर भी हो गए हैं। क्या सेठ को बताया था? अच्छा, सेठ को बताया तो सेठ बोला कि सब तुम लोग की चाल है, बोले। अच्छा, 40 लाख 50 लाख की गाड़ी दे दी, इतना माल लदा है, उतना भरोसा करके दे दिया, तो इतना भरोसा करना चाहिए कि हुआ होगा। आपके ट्रक का जो मालिक है उसने बोला कि आपने ही गोली चला दी? नहीं नहीं, बोले वो ऐसा नहीं हो सकता है, बोले। तो 1 लीटर में ट्रक कितने किलोमीटर चलता होगा? हिंदुस्तान के MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, बंगाल, सिलीगुड़ी, आसाम, हाँ। गुजरात में पोरबंदर, बेलावर भाग। आखिर हूँ मैं यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, मुझे चलते जाना है। मेरे पीछे एक ट्रक देख रहे हैं और मेरे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, कुछ ट्रक से जुड़े हुए कर्मचारी हैं जो ट्रक के साथ साथ चलते हैं। ड्राइवर नहीं होते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद ड्राइवर बन जाते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमेशा चलता रहता है। ये सफ़र कई राहें छोड़ता है, कई हाईवे छोड़ता है, कई गाँव और कई शहर छोड़ता है। बस ज़िंदगी जब तक चलती है तब तक चलती जाती है। आइए इस सफ़र के बारे में बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 32 है। 32 साल के हैं। कितने साल की उम्र से ट्रक में आ गए? मैं आ गया था 18 साल। 18 साल की उम्र में? 18-20 साल में। मतलब 14-15 साल की उम्र आप ट्रक चला चुके हैं। तो क्या स्थितियां थी घर की, घर के लोग क्या करते थे, कैसे जो होते यहाँ पर? पिताजी बहुत छोटे में एक्सपायर हो गए थे हमारे। अच्छा। मैं 6-7 साल का था तब से एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही आ गई, मेरे ऊपर ही आ गई थी। तो जब ये काम शुरू किया था, जब ट्रक पे आए थे 17-16 साल की जो भी उम्र रही, तो उससे पहले
कुछ करते थे, कुछ और मजदूरी वगैरह भी करते थे? हाँ, मजदूरी वगैरह करता था, बेल्डिंग दुकान में काम करता था। अच्छा, बेल्डिंग की दुकान में काम करते थे। हाँ, फिर कैसे संपर्क हुआ और कैसे जो तो गांव में है और भी ड्राइवर भैया लोग थे। अच्छा, उनको देखा मैं गाड़ी चलाते, वो आते जाते रहे, पर उन्हीं के साथ में गाड़ी लाइन में आ गया। अच्छा, तो फिर शुरुआत में जो है तो ट्रक में रहते थे, फिर उसके बाद ड्राइविंग भी सीख लिया? हाँ, शुरुआत में ट्रक, महाराष्ट्र में वो भैया महाराष्ट्र में चलाते रहे, तो वहीं महाराष्ट्र में मैं भी उन्हीं के साथ था, तो वहीं अच्छा, से गाड़ी सीखा, फिर उसके बाद यहाँ आ गए जबलपुर। एक महीने में अगर हम बात करें, लगभग कितने हजार किलोमीटर का सफ़र आप लोग तय कर लेते हैं? हजार किलोमीटर तो अभी तो यहीं अपनी छत्तीसगढ़ चलती है गाड़ी। अच्छा, छत्तीसगढ़ चलती है। तो पौने 400 जाना, पौने 400 आना। एक महीने में कितने ट्रिप हो जाते हैं? एक महीने में करीब चार ट्रिप हो जाते हैं। 400 आना, 400 जाना, मतलब 8×32 3,500 किलोमीटर के करीब आप लोग एक महीने में सफर कर लेते हैं। ज्यादा ही हो जाता, कम ज्यादा ही हो जाता, 4,000 करीब चला जाता है। तो कैसी जिंदगी रहती है एक ट्रक ड्राइवर की नजर से हम जानना चाहें अगर, तो किस तरीके से जिंदगी रहती है? कितने बजे उठते हैं, कितने बजे चलते हैं? बहुत बेकार जिंदगी रहती है। कोई जिंदगी है क्या ये? आप और आगे आ जाइए थोड़ा सा। जिंदगी नहीं है जी। नाम बता दीजिए आपका। रामदास। रामदास जी, आपकी उम्र तो काफी ज्यादा हो चुकी होगी, लगभग 60 साल की उम्र पहुँच रहे हैं। कितने साल की उम्र से आपने ये सफर चालू किया? 1 रुपया लीटर डीजल होते जब। 1 रुपये डीजल था, आज 113 रुपये है। नहीं, डीजल नहीं, वो पेट्रोल है। अच्छा, फिर भी 100 रुपए, 101 रुपए के करीब पहुंच रहा है। तो 1 रुपए से 100 रुपए ज्यादा तक का सफर आपने पूरा कर लिया। हिंदुस्तान के कितने हाईवे हैं जो आपने देख लिए? हिंदुस्तान के MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, बंगाल, सिलीगुड़ी, आसाम। गुजरात में पोरबंदर, बेलावर, भावनगर, धंधुका, राधनपुर, डीसा, बिल्लीमुरा, नौसारी, अंकलेश्वर, भरूच, अहमदाबाद, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, रामगंज, मंडी, दरा, खट्टर, पंजाब, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, कहाँ नहीं गए हैं। क्या बात है, मतलब पूरा का पूरा हिंदुस्तान का चक्कर लगा के। बिहार, बंगाल, सिलीगुड़ी, आसाम, कोई प्रांत नहीं बचा है जहाँ पे गए ना हो, जहाँ पे गए और जहाँ पे गाड़ी से अपनी सफर ना किया। आपकी सफर में जो 50-60 साल की उम्र है आपकी, कितने लोग आपके अंडर आए और कितने लोगों को आपने ड्राइवरी सिखाई और आज ड्राइवर? 18 लड़का ड्राइवर हमारे। अच्छा, आपके सिखाए 18 लड़के ड्राइवर हैं? आज रोड पे चल रहा है, दारू डी के कमा खा रहे हैं। अच्छा, और जब मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? पापर पे यही तो चेला है। अच्छा, ये आप ही चेला है। आज शिक्षक दिवस है, 5 सितम्बर को हम ये कवरेज कर रहे हैं और आज एक गुरु और एक चेले से भी बात कर रहे हैं और ये मतलब एक अलग अनुभव होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी। अभी हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो सिर्फ विद्यालयों की बात करते हैं, लेकिन आज हम हाईवे के सफ़र की बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक गुरु जी हैं और एक उनके शिष्य हैं। तो जब शुरुआत की थी इनके गुरु जी के उसमें, तो कैसा था, आपकी उम्र क्या थी, डर लगता था शुरुआत में जब? हाँ, बहुत डर लगता था, गाड़ी लाने में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके फिर आदत पड़ गई। कितने महीने या कितने साल में आपने ट्रक चलाना सीख लिया? 3 साल लग गए थे। 3 साल लग गए थे। 3 साल कंडक्टरी किया था, फिर 1.5 साल सेकेंडरी किया, 2 साल करी, 5 साल करने के बाद मेरे को फर्स्टरी मिली। अच्छा, मतलब कुल मिला करके एक डिग्री और डिप्लोमा एक साथ, BA और MA एक साथ कर लिया, तब जाकर के आपके हाथ में स्टेयरिंग जो तो सिंगल पड़ी। और रात में जैसे आप लोग सफर करते हैं तो रात में जागने के लिए क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? कोई नशा, बीड़ी भर पीते हैं। बीड़ी पीते हैं बस, बाकी दुनिया में दारू, गांजा, अफीम, चरस, कोई जिंदगी चली गई। और जो लोग ये बता करके सिर्फ ये चीज कहते हैं कि मतलब अगर हम रात में शराब नहीं पियेंगे तो रात में जाग नहीं पाएंगे, या फिर ऐसी चीजें जो लोग कहते हैं, विशेष तौर पर आपकी ड्राइविंग लाइन में होता है, आप लोग भी चली गई जी जिंदगी, दारू, हम सही दुनिया सही, हम खराब दुनिया खराब, दारू हमने पीते नहीं। हाँ, गांजा, शराब, दारू, मांस, मदरा, पंडित आदमी हम आज तक कभी मांस मदरा कभी अच्छा, नहीं। अच्छा, ब्राह्मण। हाँ, अच्छा ये बताइए, इन सबसे परे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, आजकल क्या है ट्रक मालिक जी बहुत ज़्यादा हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, डीजल का रेट बढ़ गया, जगह जगह पुलिस वालों का कलेक्शन भी बढ़ गया। आप लोग ड्राइवर हैं, आपको रियल टाइम सिचुएशन पता होगी कि क्या वाकई में परेशानी झेल रहे हैं ट्रक मालिक।
कपड़ा भर पहरे हैं, अंदर रो रहा है आत्मा, कुछ अच्छा। कुछ नहीं बच रहा उनको। अच्छा, हम लोग कमाने देने वाले हैं, यहाँ से 5,000 बचेंगे, 5,000 यहाँ से बचेंगे, टूट फूट हो गई तो वे भी रोने लगे, मक्खी मारने लगे, कुछ नहीं बच रहा मोटर वाला का भाई, अपन तो चलाने वाले हैं, क्योंकि पुलिस खा रही है, हर जगह एंट्री जा रही है, आने जा रहे हैं, आरटीओ बैरियर जा रहे हैं, मिलिट्री जा रहे हैं, भाड़ा बढ़ा नहीं रहा, भाड़ा नहीं बढ़ा, और टायरों की कीमत देखो, मोटर का काम देखो, तो हर चीज इसमें तो मोटर मालक परेशान, 45,000 का 10,000 का सीधे मोटर मालक तो दुखी है। अच्छा, मोटर मालिकों से भी हमारी बात हुई है, तो उनका क्या कहना है कि हमने बात की कि जैसे अभी जगह जगह में टोल टैक्स लगता है हर 50 किलोमीटर में, तो आपको परेशानी है क्या? तो बोलते हैं कि नहीं, हमको टोल टैक्स से परेशानी नहीं है क्योंकि रोड अच्छी है, रोड अच्छा है, तो रोड अच्छी है तो वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि पहले खराब रोड होती थी, लेट पहुंचते थे, ट्रक में मेंटेनेंस का खर्च भी ज़्यादा होता था, ड्राइवर भी परेशान रहते। उनका क्या कहना है कि जो आरटीओ वाले होते हैं, पुलिस वाले, वो बहुत परेशान करते हैं, और टोल टैक्स से ज़्यादा हम मतलब मालिकों को पुलिस वालों को देना पड़ता है, देते हैं, क्यों देना पड़ता है पुलिस वालों को? एंट्री मांगते हैं, नहीं दो तो जो जे नहीं है, दो ड्राइवर लाओ, एक कंडक्टर लाओ। अच्छा, तीन आदमी, अभी एक आदमी गुजारा नहीं, तीन आदमी तनखा कहाँ से मिल जाए? हम लोगों के 3,000 पे बनता है। अच्छा, कब वाला कब अच्छा काम, कितनी तनख्वाह मिलती है महीने में? 3,000 3,000 3,000 3,000 3,500 रुपये तनख्वाह। अच्छा, ड्राइवर को दो तीन हजार। मतलब बहुत पहले के टाइम में मेरे एक पहचान वाले ट्रक ड्राइव करते थे, तो वो बोलते थे कि उस समय उनको करीब 10,000 के आसपास मिलते हैं। मिलता होगा, अलग अलग रहता है ना, ऐसा नहीं है कोई पैरामीटर पे हमारा क्या खर्चा भी मिलता है, 6,000 रुपए फिक्स मिलता है। अच्छा, हाँ, वो आने जाने का, जैसे माल भरे तो अपन को 6,000 रुपए मिलता है, 6,000 2,000-3,000 उसमें बच जाते हैं, और रोटी खर्चा भत्ता जिसको बोलते हैं, मतलब कुल मिला के 10-12,000 महीने का हो जाता है, इतने में गुजारा। तो मतलब जिस तरह से देखा जाए कि ट्रक मालिकों का मुनाफा नहीं बढ़ा बल्कि कम हो रहा है, पहले बहुत मुनाफा होता था, पहले होता है ना, यानी कमाई, और अभी क्या आसार है आपको कि ट्रक मालिकों को फायदा होना शुरू होगा कि नहीं होगा? मेरे को मुश्किल दिख रहा था, टिकट टूट गई है, माल के रेट बढ़ नहीं रहे यहाँ, अब तुम 18 में तैयार, 8,000 में तैयार, हम 7 ही भर के भाग रहे हैं, गाड़ियाँ इतनी मुतकी हो गई हैं, मोटर मालिक क्या क्या आप लोग लोड करके जाते हैं जनरली? अब जो मिल जाए यहाँ से, मट्टी जाती है और किराने की सामान है, मतलब अल्लाह है जो भी, मतलब कुल मिला के आप लोग अगर रोड में चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते हैं, तेल है, साबुन है, कुंजे है, कट्टा सट्टा सब गृहस्थी को सामान यहाँ का है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए सरकार को, और हम ड्राइवरों के लिए कुछ सोचना चाहिए, जिंदगी हाथ पे है सर हम लोगों। अच्छा, खाने पीने के लिए आप लोगों को ट्रक मालिक नहीं देते? ना नहीं, वही में 6,000 बनाओ खाओ, अच्छा चाहे बचा लो, चाहे बचा लो, चाहे मतलब चाहे खाना खा लो, चाहे भूखे मरो, भूखे मर जाओ, वही है। तो भाई 2,000 का खाना पीना हो जाता है, 1,000-2,000 रुपया हमारा खर्चे निकल जाते, 2-3,000 चक्कर बच जाता है, ये में दाल रोटी चल रही है। तो अभी आप लोग जबलपुर के लिए जा रहे हैं कि जबलपुर से? जबलपुर के लिए क्या लेके जा रहे हैं आप लोग? हम जा रहे हैं मुर्गी दाना। अच्छा, मुर्गी दाना, हाँ, मतलब काफ़ी इसेंशियल चीज़ें ये लोग लेकर जाते हैं, और अगर ट्रक खड़े हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में? मुर्गी दान, बच्चे मर जाएंगे टाइम से नहीं पहुँचेंगे, जो मुर्गी का जो बच्चे है ना, अपन को टाइम टेबल से माल पहुंचाना है, तो बच्चे मर जाएंगे। अच्छा, मैंने सुना था एक ट्रक मालिक हमको बता रहे थे कि जैसे आपका जो ई बे बिल होता है जी, है ना, जानते हैं ना ई बे बिल, कभी आपका ट्रक रास्ते में ख़राब हो गया, आप लेट पहुंचे, तो फिर आपको वो ई बे बिल एक्सपायर हो जाता है। हाँ, नहीं फिर अपन उसमें बढ़ावा लेते ना थाने में जाकर, लेकिन वो खर्चा लगता है ना, और आपको टाइम लगता होगा, खर्चा लगता है, टाइम लगता है, बढ़वाना पड़ता है, तो फिर जो काम करवा रहा है उसकी वो चाहिए, मान लो कुछ भी जो नुकसान हुआ बिगड़ा है तो उसकी रसीद चाहिए दिखाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपका ट्रक यहाँ पे खराब हो गया, आपको लोकल यहाँ मैकेनिक मिल गया, तो भी रसीद चाहिए? हाँ, एक मिल जाते हैं कभी, जब चेक इन हो जाती तभी लगता है, तो उनको बता दिए जैसे कि यहाँ बिगड़ गया था, सुधरवा रहे थे, तो मांगते हैं रसीद, मांगते हैं कि इतने से इतने टाइम तक
घर कितने दिन में पहुंचते हैं? घर 4-5 दिनों में, पहले तो साहब 8-10 दिन में पहुंचाते हैं, पास ही पास चल रहा है रायपुर जबलपुर, तो हर चौथे दिन में घर पहुंच जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं सुन रहा था आपकी बातों को, आप देश दुनिया मतलब पूरे देश में घूमे हैं हर जगह, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? सब गुजरात। अच्छा गुजरात एक नंबर। क्या अच्छा लगा वहाँ? वहाँ का आप गाड़ी खड़ी कर दोगे तो ऐसे सामने खड़ी कर दो आप गाड़ी, आइए ड्राइवर साहब बैठिए चाय पीजिए। अच्छा वहाँ का और जो मालिक लोग, हाँ 20 लाख का धन मेरे पास दरवाजे में खड़ो, धन हम लक्ष्मी हम भी दरवाजे में खड़े। और उत्तर प्रदेश में जाए क्या हो मर्दबा, तेरी बहनी का बरमार छतिया पकड़िया लगाई दे, मार लाठी निकाल बहनी का बरमार भगाई दो, बिहार बंगाल में जो खट्टो से मोहड़ा करो भग दो। अच्छा बिहार बंगाल में ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता? उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है। सबसे अच्छे ट्रक ड्राइवर ट्रक मालिक गुजरात के? गुजरात है ना, गुजरात रोड सबसे रोड अच्छा एक नंबर है, वातावरण भी है और वहाँ दंड फंद कोई नहीं। अच्छा और क्या अपना छत्तीसगढ़ और एमपी यहाँ चाहिए। सबसे बुरा अनुभव कहाँ का रहा, सबसे गंदे लोग? बिहार बंगाल। बिहार बंगाल हाँ, यूपी यूपी बिहार यूपी ये बगले पूरे लगा दी आदमी। क्या ऐसा करते हैं कि आपको लगा कि बुरे? बेकहो साहब तुम्हारी गाड़ी लूट ले। अच्छा हाँ गाड़ी लूट लेते हैं? गाड़ी लूट लेंगे, ए दहनी बहनी कबर मारे गुंडा तो अक्सर बहन की। अच्छा अपन कब 10 आदमी आ गए क्या करो, बड़ा अलग कट्टा यहाँ से मौका आया। आप लोग तो जनरली सबसे ज्यादा हाईवे में ही चलते होंगे? अब बन गए हाईवे, नीतीश के राज में जो हाईवे बने हैं बिहार में। अच्छा जब लालू को गड्ढा गुंडा टैक्स अलग लगता रहा। अच्छा लालू को राज में गुंडा टैक्स लगते रहे और उस समय 500 रुपया 5,000 बोरो भागे जो हम लोग देते गुंडा टैक्स। अच्छा ओ ड्राइवर ने धरा गुंडा टैक्स दे बहन जो अपन ने निकाले गुंडा टैक्स दे दिया। अब नीतीश के राज में बिहार में सांस रोड बन गए, कोई हेडक नहीं, कोई टेंशन बिहार में। तो ये जो गुंडा टैक्स देते थे मालिक से बताते थे कि या फिर जो तो अपने जेब से? नहीं मालिक से बताते थे, अपन मालिक को पता होता था कि मतलब ऐसा होगा। ड्राइवर का करेगा, ड्राइवर के पास कहाँ धरा कितनी जगह में गुंडा टैक्स लगता था? यूपी बिहार नहीं, मतलब जैसे आप बिहार पहुंच गए तो बिहार में एक बार दे दिया आपने गुंडा टैक्स की जगह जगह? नहीं नहीं एक बार। अच्छा एक बार कटवा लिया रसीद। अच्छा रसीद भी काटते थे? रसीद काटते थे। अच्छा क्या लिखा होता था उस रसीद में? उसमें यही मतलब अपन ने इसकी पर्ची काट दी, कहीं भी 4 आदमी खड़े होने गुंडा टैक्स कट अपन ने साथ दी रसीद उनकी जाओ। यही अच्छा। बोलते थे कि गुंडा टैक्स दो? हाँ गुंडा टैक्स सीधे तौर पर खुले तौर पर बोलते, नहीं दोगे तो आपको मारेंगे। अच्छा अभी अभी ऐसा कुछ? अब कुछ नहीं। अच्छा अब राइट होगा, अब 10-12 साल से गए भी नहीं है। हाँ, हाँ। अपने एमपी जबलपुर साउथ साइड में भी गए हैं? नहीं वहाँ साउथ में कोई लपड़ा नहीं है। अच्छा साउथ में कन्याकुमारी बेंगलुरु मद्रास यहाँ कोई? लोग कैसे हैं वहाँ? वहाँ की अपनी भाषा समझ में नहीं आती। अच्छा, आपको समझ में नहीं आती? हाँ। नहीं आप मेरे को आए, मेरे को भी नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी। नहीं आएगी उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी। नहीं उनको आएगी, नहीं हमको आएगी। हिंदी समझते हैं वो लोग? अपन को दुड़ी उड़ी उड़ गया आपका सामने, अपन उनके गाड़ी बाग है वहाँ पे उनके बहु की चेहरा तो नहीं समझ रहे जो बात हो जा कर अब और बेगारी बकत हुआ तो अपन का जान है भाई, अपन लोग भाषा ही नहीं समझे वहाँ पे। तो खाना पीना उस साइड में क्या कैसे करते हैं? साहब खाना पीना को नहीं बना है, मांस मदरी गाला लाका है, गंदी ज्यादा है, अपनी दाल रोटी प्रभु गुनगाव दाल रोटी खाओ, खाना पीना गाड़ी में बनाते। अभी जैसे आप लोग मालिकों को अगर संदेश देना चाहें ट्रक मालिकों को तो क्या संदेश देंगे? का संदेश दाल रोटी चलाई नहीं का संदेश नहीं आप? मतलब जैसे आप लोग बोल रहे हैं तनख्वाह कम है आप लोगों की, तो मालक को नहीं बच रहा तो अब ड्राइवर को कहाँ बचेगा था? अच्छा मतलब ये आप लोगों को पता है कम से कम कि मालिक को नहीं बच रहा है तो हम मांग नहीं सकते है? हाँ, ना अपन भी समझ रहे हैं मालक की पोजीशन, कागज लगने इंश्योरेंस फेटने टैक्स मोटर मालक के लिए बहुत परेशानी है, कागजों में भी रेट बढ़ गए हैं 5,000-5,000 रुपए करीब, उसमें भी बढ़ गए इंश्योरेंस फिटनेस में और जो परमिट अरमिट सब में पैसे बढ़े हैं उनके भी बढ़ गए, और टायर भी बड़ा सीधे सीधे 10,000 रुपए 8-10,000 रुपए जोड़ा टायर। ये बताइए ट्रक का जो आपका ज्यादा एक्सपेंस होता है वो टोल टैक्स में होता है कि पुलिस वालों को देने में होता है? अब वो तो सर यार सब भाई टोल टैक्स में तो कोई नहीं है, रोड बन गए हैं
घूमते हैं ऐसा है, उन्हें भी दुख होता है कि 100 किलोमीटर पर लगाना है जिम 50 किलोमीटर पर धर दा उन्हें। भाई रोड बनाया तो कम से कम 100 किलोमीटर पर रखने थे, 85 किलोमीटर जो 50 पर धर दवाएंगे फिर 50 पर धर दा। करेक्ट, तुम अखरा से मोटर मालक को कम 100 किलोमीटर पर टोल रहना चाहिए। पुलिस वाले तो ऐसे हैं हर जगह है तो उनने बिल्टी देखी 100-200 रुपया 500 दिए चलान करवा, नहीं साहब हाथ जोड़ रहा तुम्हारे हम चलान नहीं करवाएंगे। एंट्री देते मालक से बात करी उनके काम करो 1000 रुपये दे दो अलग करो छोड़ देते हैं मगर पैसा लेते हैं, बिना पैसा का कोई काम नहीं। क्या कहेंगे ऐसे पुलिस वालों को जिनको सरकार देती है, या यूँ कहें कि इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो हम लोग ही उनको टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं और उसी के टैक्स से वो नौकरी करते हैं और उनको भारत सरकार से तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद अगर वो लोग गलत तरीके से पैसा कलेक्ट करते हैं ट्रक ड्राइवरों से, तो क्या वो अच्छी बात है? अच्छी बात है ही नहीं है साहब, RDO खुद ही परिषद पर जो RDO सरकार ने रोड पर खड़े करे हैं तो वही तो वसूल कर रहा है पैसा। RTO वैसे भी ट्रक मालिक तो दे ही रहे हैं, रोड दे ही रहे हैं, मानो RDO और परेशान करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपके ट्रक में सब कुछ लीगल रखा हुआ है, पेपर सही है, सब कुछ सही है, तो भी देना पड़ेगा, तो भी देना पड़ेगा, निकाल ही देंगे, कोई ना कोई खामी निकाल ही देंगे, व्हीकल मोटर में वो पूरा कर ही नहीं सकते। आजकल के मोटर मालिक ड्राइवर पूरा कर ही नहीं सकते, उनके पास इतने एक्ट हैं, वो इतनी धाराएं लगा देंगे, तुम्हारे पास वर्दी नहीं है, तुम सीट बेल्ट नहीं लगाए, तुम्हारा टूल बॉक्स फुल है कि नहीं है, टूल बॉक्स दिखाओ, अब सारी चीजें तो इकट्ठे रख नहीं सकते, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं वो अग्नि बुझाने आग बुझाने वाला अग्निशामक हाँ वो फायर कहाँ है, तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, तो अब इतना सारा तो रख नहीं सकते ना ट्रक में। अच्छा ये बताइए जो ट्रक होता है तो ट्रक में सीट कितनी होती है? जो सीट बैठने वाली होती है जैसे एक ड्राइविंग सीट हो गई उसके बाद पूरी एक सिंगल सीट होती है, तो अगर वो करें तो कितनी सीट होती है, कितने लोग बैठ सकते हैं ट्रक में? ट्रक में तो 8-4 आदमी बैठ सकते नहीं, मतलब सीट लीगल सीट कितनी? दो सीट कहलाती है, एक ड्राइवर की एक कंडक्टर की। अब ये बताइए कि आपने बताया कि दो ड्राइवर होने चाहिए एक कंडक्टर होने चाहिए, किस नियम के अनुसार? सरकारी नियम के अनुसार। अब ट्रक में दो सीटें हैं तो अब तीन लोग कैसे बैठेंगे? एक सेकेंड ड्राइवर होना चाहिए, एक क्लीनर होना चाहिए। बैठने को तो जैसे आप बता रहे हैं 8 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब लीगल तौर पर दो लोग ही बैठ सकते हैं तो तीन लोग कैसे बैठा सकते हैं, दो ड्राइवर कैसे कर सकते हैं? बन जाएंगे ना सर, तीन आदमी सोते बन जाते ना। अच्छा सोते, हाँ सोते भी बन जाएंगे, एक चलाएगा एक सोएगा। अच्छा ये बताइए, मेरा एक दोस्त है जी, काफी परेशान था वो, एक बार गरीब था, उसके पास मतलब पहुँचने के लिए पैसे नहीं थे, इंदौर से जाना था उसको, तो काफ़ी दुखी था, ऐसे ही रोड में शायद खड़ा था, लिफ्ट मांग रहा था, ट्रक वालों से लिफ्ट मांगा। हाँ। तो किसी सज्जन ट्रक ड्राइवर ने रोक के उसको बिठाया, करीब 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर उसको लेके पहुंचाए। हाँ। और उस समय प्याज का रेट बहुत ज़्यादा था। हाँ। तो ट्रक ड्राइवर ने उसको एक बोरी प्याज भी दी, उसकी स्थिति को जान के। हाँ। काफ़ी मदद हुई उसकी। हाँ। काफ़ी टाइम बाद घर जा रहा था, नौकरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, कुछ कमा नहीं पाया, जहाँ काम कर रहा था उसको तनख्वाह नहीं मिली थी। क्या आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा वाक्य आया कि किसी की मदद किए? नहीं, कई बार कोई रास्ता में टुकड़े टुकड़ के जाए, उन पर बस बारे में बैठा रहे हैं, उनको हम हाथ पकड़ के बैठा रहे हैं। अच्छा, खाना पीना की व्यवस्था नहीं है, हाथ पकड़ के बैठा रहे हैं हमने, तो जिनकी मूड रहे हैं एक बस बारे है भगा टुकड़ा हो गया अलग, उनको हमने बैठा रही। अच्छा, और मीडिया वाले भी हमको मिले हैं रास्ता में, बस नींद में रात में यहाँ सो गए हैं, 10 किलोमीटर आगे गाड़ी पहुँच गई है, तो उन्होंने हाथ दिया है 2 बजे रात में हमने उठारा। अच्छा, चाहे चोर हो चमार हो, मन हमने भगवान भरोसे गाड़ी रोक दी। आइए साहब, मेरे ड्राइवर साहब, हम बस ठीक है, आइए साहब। डर तो लगता हो? नहीं नहीं, कोई डर नहीं, डर तो ऊपर वाले को लगता है, मनुष्य को नहीं डराते साहब। अच्छा, जैसे अगर आप हाईवे में चल रहे हैं जी, रात हो गई, और अपने देश का जो हाईवे का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ज़्यादातर जंगल में जाता है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई आदमी नहीं, रात का टाइम है, कभी मन में चलता है कि अगर यहाँ मेरा ट्रक गड़बड़ हो गया, रुक गया तो फिर? कुछ नहीं, कभी ऐसा हुआ एकदम जंगल में आपका ट्रक खराब हो गया? कई बार खराब हो गया, हम ऊपर वाले के भरोसे रखते हैं। अच्छा, भगवान तने जन्म दिया है, पालने पोछने मालन वाला वो है, आप हमको, आप गोली भी मारोगे ना
तो कट्टा भी टोपी नहीं फूटेगी अगर उसकी नहाए सही है तो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बताइए, हर आदमी का डर अलग होता है, हर आदमी की ताकत अलग होती है। नहीं नहीं सही है ना, लगता है डर लगता है। आजकल क्या है, डीजल चोर भी हो गए हैं, कह रहे महंगाई इतनी बढ़ गई, डीजल कितना रेट हो गया है, डीजल भी चोरी होने लगा है, कहीं गाड़ी तुम्हारा लूट लें, सो रहे हो कहीं जंगल में, दो चार लोग आ जाएं, स्टपनी चुरा लें, तुम्हारी बैटरी खोल के ले जाएं, यहाँ तो ऐसा तक होता है। अभी एक महीना पहले मेरा मोबाइल चोरी हो गया मेरे लड़के का। अच्छा। हाँ, वो उसका थोड़ा सा गलती ये हुआ कि वो बाथरूम करने के लिए उतरा, गेट लॉक नहीं किया। बेमेतरा में रायपुर केसी साइड बेमेतरा, वहाँ पर मेरा ट्रक खड़ा था, मैं वहाँ सो रहा था, 12:30-12 बजे गाड़ी लगाया मैं, तो वहीं सो गया, मेरे को नींद आ रहा था तो मैं सो गया वहीं पर। तो 4:00 बजे करीब मोबाइल चोरी हो गया। टू व्हीलर में आए दो लोग, एक गाड़ी के पीछे टू व्हीलर खड़ी कर दिया, एक आया गेट एट ठोंका, जब उसको मैं यानी जब वो वहाँ सीट में बैठ ही गया था, अब मैं तो नींद में था, लड़का बगल में सो रहा था, तो थोड़ा सा मेरे को एहसास हुआ कि कुछ आवाज़ आई, तो मेरी एकदम से जैसे नींद खुली मैं उसको देखा तो वो तुरंत भाग गया। अच्छा, ट्रक में शीशे नहीं होते क्या कि आप लोग चढ़ा लें? सब कुछ लगा था, तो वो गेट लॉक नहीं किया था ना लड़का, गेट को लगाया वैसे ही लेकिन लॉक नहीं किया था, तो वो खोल लिए। 3 साल की बात का दुर्गेश, अपन को जब गोली मारी थी बड़े लगा। अच्छा, गोली मारे थे? हाँ। क्या है, ये इको मोड बन रहा था जो घाट के ऊपर है, जहाँ पत्ती गोदाम है, तो गाड़ी वहाँ से आ रही थी सिंगल रोड, हमने गाड़ी रोक दिया, गाड़ी रोकी तो तीन मोटरसाइकिल वाले आए, बोले बेटा कही दादा कही जो गली कहाँ जा रही है, हम किसी बेटा जो मंडला गई है, किसी मंडला जाना है मेरे को, हम बेटा तुम सीधे चले जाओ मंडला। वो कंडक्टर साइड आया एक आदमी आँखें, और दुर्गेश से कहने लगा तुम दरवाज़ा खोल, काय खोलें कहीं खोलो, नहीं खोले नहीं खोले, उसने मारी कड़ाक से कट्टा मारे, तो बोले दुर्गेश ऐसा हो गया, जैसे ही ऐसा भाव तो कान मेरे झंड पर गए, कान झंड पर गए, कंडक्टर तो मर गया, लगाया मैंने गैर, तेरी बहन की तुमने मेरे लड़के को मार डाला, मैं तुम्हारी ऊपर चढ़ा दूंगा। जैसे गाड़ी बढ़ाई मैंने तो भी दाएं बाएं भाग गए। अच्छा। दुर्गेश उठ गया, गुरु कह रहे मेरे बच गया, गुरु यहाँ के बच गए, अरे के गुरु को चढ़ा देना, मन की हाँ चढ़ा, फिर भागे से भागे ही भागे। 3 साल पहले की बात हो, तो सब कहीं का हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तब भी आप लोग रोड पे निडर होके चलते हैं? यह सब जिंदगी हम लोगों की, अगर एक चोर फट जाए तो ड्राइवर मर जाए, का हो जाए, कहाँ का हो जाए, मैंने बोला आप हैं, आप हैं दुर्गेश, आप आइए, आप आ जाओ दुर्गेश, वो भी चेला है, बताओ अपना अपना अनुभव बताओ, आ जाओ, वो भी चेला है। ये हमारे साथ दुर्गेश जुड़ चुके हैं, ट्रक ड्राइवर के आप सहायक हैं, कितनी जिम्मेदारी होती है आपकी? पूरा जिम्मेदारी होता है। क्या क्या करते हैं? ट्रक का जो काम धाम है वो पूरा करते हैं, ट्रक का कुछ सामान है चोरी वगैरह कुछ ना हो तो पूरा काम हम संभालते। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 2,000-2,500। अच्छा, 2,000-2,500 मिलती है। तो जब आपके ऊपर गोली चली, कैसा लगा था आपको? अचानक चली कि आपको आभास हुआ था? नहीं, अचानक चली थी। अच्छा। हमको मालूम नहीं था कि सामने वाला गोली चला देगा। अच्छा। जब गोली चली तो कैसे आप झुक गए अचानक? जब वो ऐसा मार रहा था तो हमको दिखाई दिया। अच्छा, देख लिया। देख लिया कि अब जो तो चलाएगा, तो इसलिए लेट गए रहे। फिर उसके बाद? उसके बाद उठ के देखा तो वो लोग भाग गए थे। कैसा लगा होगा जब लेटे होंगे, आंख बंद हुई होगी, कुछ तो महसूस हुआ होगा? अरे कान में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। कुछ देर तक तो। अच्छा। फिर घर में बताया ये चीज? नहीं बताया। नहीं बताया किसी को घर में? नहीं बताया। अभी ये वीडियो आएगी, पता चल गया तो वो बात की बात है, बता देगा। तो मम्मी लोग सेठ को बताया था? अच्छा, सेठ को बताया तो सेठ बोला कि सब तुम लोग की चाल है बोले। अच्छा। हाँ, सेठ ने ऐसा बोला? हाँ, आप लोगों पर भरोसा नहीं किया? नहीं किया। अच्छा। हाँ, तो मतलब अच्छा काम नहीं किया सेठ ने। हाँ, है ना। जिसके ऊपर जिसको सेठ ने अपनी 40-50 लाख की गाड़ी दे दी, इतना माल लदा है, उतना भरोसा करके दे दिया, तो इतना भरोसा करना चाहिए कि हुआ होगा। कहीं आपके सेठ को ऐसा तो नहीं लगता था कि आप लोग पैसे मांगेंगे, कि हम खतरे से खेल के आए हैं और पैसे दो? नहीं, वो गाड़ी का नुकसान भी हुआ था। अच्छा। हाँ। गोली मारी थी ना। अच्छा।
तो रिपेयरिंग का काम हुआ होगा इसलिए। तो आपके ट्रक का जो मालिक है उसने बोला कि आपने ही गोली चला दी? नहीं नहीं बोले, वो ऐसा नहीं हो सकता है बोले, रोड पे जैसा तुम बता रहे हो। कहाँ की बात है ये? अपना बरेला घाट के ऊपर। अच्छा, जबलपुर के पास की ही बात? जबलपुर के पास। तो आप लोगों ने फिर कंप्लेंट वगैरह नहीं की कभी, या आपके मालिक ने कभी कंप्लेंट की? नहीं किया। आप लोगों के लिए उनको इतना तो करना चाहिए कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, कुछ भी हो सकता था, कम से कम पुलिस में तो हम कंप्लेंट कर दें वहाँ पे फोन करके। नहीं करते ना वो लोग। अच्छा, चोरी हो गया डीजल तो आप लोगों के, फिर क्या करते हैं? क्या करेंगे अब, जब डीजल हो या तो पेमेंट से कटवाएंगे, नहीं तो गाड़ी तो पहुंचानी है, तो खुद से जो भी अपने पास होगा उससे, तो किसी दोस्त भाई को बुलाएंगे, उनसे पैसे लेंगे, डालेंगे डीजल, बताएंगे मोटर मालिक को, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो पहुंचाना जवाबदारी। अच्छा, तो आपको डीजल गिन के मिलता है? पूरा गिन के मिलता है। कितने रुपए किलोमीटर मिलता है? ऐसा किलोमीटर नहीं है, वहाँ से अपना 180-190 लीटर मिलता है यहाँ तक, यानी 450 किलोमीटर के लिए। अब अगर मान लो कि रास्ते में जैसे जाम लग गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो मालिक देते हैं कि आप लोगों को उसका नुकसान उठाना? आप हम ही लोगों को नुकसान उठाना आप लोगों को हम ही उठाना। तो आप लोगों ऐसा किया करो ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जहाँ भी आप रहो जब आपका जाम लग गया, रोड ख़राब है, तो आप उनको बोल दिया करो कि इस जगह में हम हैं, और गूगल मैप से वो देख लें कि इस जगह में कितना ट्रैफिक है। तो दिखाने वाली बात नहीं, हम तो फोटो खींच के भेज देंगे। अच्छा, फोटो खींच के भेज देंगे? भेज देंगे तो क्या मतलब, ठीक है, खड़े रहो, जाम लगा है, लगा है, जाम लगे रहें, तो जब खुलेगा तब चले जाना। नहीं, लेकिन उसमें डीजल तो ज़्यादा खर्च होता होगा? डीजल तो खर्च होता है, अब धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी तो खर्च होगा, अब वो बोलेंगे तो नहीं पहुँचती है गाड़ी, फिर भी अगर दे दिए तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे। जनरली अगर हम बात करें एवरेज पर लीटर, तो एक लीटर में ट्रक कितने किलोमीटर चलता होगा? 2.5-3.5 अच्छा, बस लोड गाड़ी, हाँ, खाली गाड़ी अपना 4.25-4 किलोमीटर देती है, काफी कम एवरेज होता है। जो नए ट्रक हैं उनमें भी यही एवरेज मिलता है कि अब उनमें एवरेज थोड़ा बढ़ रहा है? अब क्या, गाड़ियाँ अलग अलग मॉडल की आ रही हैं तो उनमें बढ़ रहा है, अभी अपन वो वाली गाड़ी चलाए नहीं है। अच्छा, आपने भी 10-12 साल पुरानी गाड़ी चलाना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ट्रक ड्राइविंग के बारे में, अब है ना, बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, जैसे मैं कार चला लेता हूँ तो क्या मैं ट्रक चला लूँगा? नहीं, नहीं चला पाएंगे, एकदम से नहीं, बैठने पड़ेगा 1-2 घंटे, मतलब स्टीयरिंग जैसे इनकी स्टीयरिंग बिल्कुल सॉफ्ट है, नहीं वैसे चलाने के लिए खाली वाली गाड़ी, अब आप हार्ड होता होगा मोड़ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अब पानी है, पावर स्टीयरिंग वो मैं को आप चला ले, कार चला रहा है, आप किसी भी गाड़ी चला ले। अच्छा, उसका कटिंग का नॉलेज नहीं आ पाएगा, इतनी बड़ी गाड़ी है, कहाँ जगह मेंटेनेंस जजमेंट नहीं कर पाओगे आप यहाँ।